हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुशांत तिवारी एंड दिस इज माय अदर वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपलोड वीडियो फ्रॉम बीटा वर्जन। यस दोस्तों, हमेशा मैं आपको कहता था, कोई भी YouTube का अपडेट बताता था तो उसमें मैं आपको कहता था कि YouTube का जो हमारा क्लासिक वर्जन है वो बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है, तो प्लीज़ आप बीटा वर्जन सीख लो। बट मैं कहता रह गया, पर शायद आप लोग अभी तक नहीं सीख पाए। एंड दोस्तों, अब फाइनली जो हमारा क्लासिक वर्जन है उससे अपलोड नहीं कर सकते हम लोग वीडियो, तो हमारा जो बीटा वर्जन है वही हम लोग का मेन वर्जन है। तो दोस्तों, अगर आपको इन फ्यूचर YouTube में काम करना है तो आपको बीटा वर्जन से वीडियो अपलोड करना आना चाहिए। अगर अभी तक आपको दोस्तों नहीं आता है उस पर अपलोड करना वीडियो बीटा वर्जन पे, या अभी तक आप अच्छे से उसको नहीं देखे हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने ओपिनियन से कि अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है उसको समझने में। बट दोस्तों, अगर आप एक दो वीडियो अपलोड करोगे तो उसके बाद आपको वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। एंड दोस्तों, मेरे ओपिनियन से ये जो बीटा वर्जन में वीडियो अपलोड करने का सिस्टम है ये पहले वाले से थोड़ा ईजी है। आपको बहुत ही ईजिली इसमें वीडियो अपलोड करने को मिल जाएगा, सिर्फ 3 स्टेप में। आपको 3 स्टेप रहेगा, उसमें आप आराम से वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल बताई है, वीडियो अपलोड करके दिखाया कि कैसे बीटा वर्जन वीडियो अपलोड होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र। एंड दोस्तों, वहाँ पे आपको नीचे मिलेगा यूट्यूब को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके चैनल के लोगो के बगल में सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको एक क्रिएट अ वीडियो एंड मोर का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपलोड वीडियो, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये बीटा वर्जन का ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप अ फाइल दैट यू वांट टू अपलोड। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अपना जो भी फोल्डर है वहाँ पे आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड दोस्तों, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये जो पेज है थोड़ा सा लोड होगा। एंड लोड होने के बाद आपके पास कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाएंगे, ये जो 3 स्टेप्स हैं इसी के हेल्प से यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो को अपलोड करना है बीटा वर्जन में। तो जो पहला स्टेप है वो है डिटेल्स, वीडियो की डिटेल आपको देनी है। सेकेंड स्टेप है वीडियो एलिमेंट, एंड कार्ड और आई कार्ड। थर्ड स्टेप है विजिबिलिटी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में आपको टाइटल डालना है। तो ये वीडियो है मेरा अनबॉक्सिंग ऑफ लेंसहुड। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, वो मैं सीधे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम लोग को सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखता है थंबनेल का। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो थंबनेल है यहाँ पे कुछ 3 थंबनेल ऑटो सेलेक्टेड हैं। एंड यहाँ पे आपको प्लस का आइकन है, यहाँ पे आप अपलोड थंबनेल पे क्लिक करके कस्टम थंबनेल ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है हम लोग का वीडियो का थंबनेल, यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो बीटा वर्जन है बहुत ही इजी है यूज़ करने में। एंड दोस्तों, उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट। अगर आपको किसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ऐड करना है तो यहाँ से आप सिंपली उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मेरी अनबॉक्सिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ से सिंपली आपको डन कर देना है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। उसके बाद आपको ऑडियंस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा है इज दिस वीडियो मेड फॉर किड, यहाँ पे रिक्वायर्ड आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर है तो यस इट्स मेड फॉर किड, नो तो इट्स नॉट मेड फॉर किड। जिस टाइप का कैटेगरी का वीडियो है वो ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। एंड उसी के बाद में आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा एज रिस्ट्रिक्शन का। अगर आपकी वीडियोस 18 प्लस है तो उसका भी आपको यहाँ पे, ये जैसे ही आप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दे देनी है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे मैं नो करूँगा, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18 ओनली। मतलब मेरी जो वीडियो है वो कोई भी देख सकता है, ये वीडियो 18 प्लस या ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंपली इसको नो कर रहा हूँ। एंड अगर आप 18 प्लस वीडियो बनाते हो तो यहाँ पे आपको एज रिस्ट्रिक्शन डाल देना है। तो दोस्तों, उसी बाद जब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा मोर ऑप्शन, जैसे टैग्स लगाना एंड पेड प्रमोशन। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा पेड प्रमोशन का। अगर आपने इस पर स्पॉन्सरशिप ली है तो यहाँ पे आप पेड प्रमोशन या ये ऐसे सारे टिक्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे माई वीडियो कंटेन पेड प्रमोशन लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये सब अगर आपने किया तो आप टिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको टैग्स डालने हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज सब टाइटल एंड क्लोज्ड
कैप्शन, ये सब आप चाहो तो यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा है। अगर आपको सबटाइटल कैप्शन चाहिए तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो नीचे सबटाइटल लिखा आता है वो भी आपको शो होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो वीडियो की लैंग्वेज है वो लिख दे रहा हूँ, एंड उसके बाद जब स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आएगा रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी जो वीडियो है वो आपने कब इसको रिकॉर्ड किया था वो उसकी आपको डेट यहाँ पे फिल करने को बोला है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा, यहाँ पे जो मैंने लेंस शूट की जो वीडियो है ये बनाई थी मैंने 9 फेब को। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली मैं ये जो इसका डेट सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया है, तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये यहाँ पे मैं 8 सेलेक्ट कर ले रहा क्योंकि 8 को ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बगल में वीडियो की लोकेशन भी अगर आप चाहो तो वीडियो डाल यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, एंड अगर आपको नहीं डालनी है तो आप इसको सिंपली स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये एक ऑप्शन आता है लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है एंड क्रिएटिव कॉमन है। ये दोनों डिफरेंस ये है कि अगर आपके चाहते हो कि अगर आपको वीडियो को यूज़ करें तो आप कॉपीराइट दे पाओ तो आपको स्टैंडर्ड रखना है, अगर आप सबके यूज़ के लिए बनाते हो तो आपको क्रिएटिव कॉमन रखना है, फिर उसमें आप किसी को कॉपीराइट नहीं दे पाओगे। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे एक कैटेगरी आएगी, तो ये जिस भी वीडियो की कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट के भी कुछ फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिल जाएंगे कि इस वीडियो के हिसाब से आप कमेंट का जो वो मतलब कि कमेंट की जो विजिबिलिटी है उसको आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने होल्ड पोटेंशियल इनअप्रोप्रिएट कमेंट किया है, तो इस मैंने आप भी अपने हिसाब से ये सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। एंड दोस्तों एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दे रहा, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने थंबनेल भी वीडियो को ऐड कर लिया है, एंड प्लेलिस्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ऑडियंस की भी जितनी भी सिलेक्शन करना था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, पेड प्रमोशन वाला भी मैंने आपको बता दिया, टैग्स मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो की लैंग्वेज थी वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, कब वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो भी यहाँ पे डेट डाल दी, लाइसेंस डाल दिया, कमेंट डाल दिया। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आप पहुँच जाओगे सेकंड स्टेप पे। तो दोस्तों ये जो सेकंड स्टेप है ये आप तभी यहाँ पे यूज़ कर पाओगे जब तक आपका वीडियो अपलोड ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे साफ साफ लिखा है, यू कैन कम्प्लीट दिस स्टेप आफ्टर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD वर्जन ऑफ योर वीडियो हैज़ बीन प्रोसेस्ड, वाइल यू वेट यू कैन क्लोज दिस स्क्रीन और गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक अपलोड कंप्लीट ना हो जाए, प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप ये स्टेप को यूज़ नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो वेट कर सकते हो या तो डायरेक्ट थर्ड स्टेप विजिबिलिटी वाले स्टेप पे जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को करता हूँ पॉज, एंड अब दोस्तों हमारा जो अपलोड है वो कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस्ड हो गया है हम लोग का वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिश्ड प्रोसेसिंग हो गया है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो हम लोग को एनेबल हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग यूज़ कार्ड एंड स्क्रीन, मतलब कि यहाँ पे हम लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड एंड एंड स्क्रीन, पहला स्टेप है एंड स्क्रीन लगानी है। तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा ऐड, ये इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा एलिमेंट इंपोर्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको जो टाइमलाइन दिख रहा है इसमें आप कहीं पे भी अपना जो वीडियो है उसमें जो एंड स्क्रीन है लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको एलिमेंट दिख रहे हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 4 वीडियोस का एलिमेंट लगाऊंगा। तो दोस्तों ये जो एंड स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हो लग गई है, सबको मैं लास्ट में ला दूंगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, एंड अगर आप चाहो तो ये जो वीडियो के सामने पेंसिल है यहाँ से एडिट करके अपने सारे अपलोड वीडियो में से वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक वीडियो को, एंड वो आप अपने एंड स्क्रीन पर लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो बीटा वर्जन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे यूज़ करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। हाँ मान रहा हूँ दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हार्ड लग रहा होगा, बट दोस्तों ट्रस्ट मी ये जो बीटा बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पे ऐड कार्ड, तो इस पर भी हम लोग कार्ड लगाएंगे ऐड पे क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की टाइमलाइन ओपन हो गई हम लोग के सामने, एंड यहाँ पे आपको ब्लू कलर का ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा ऐड कार्ड, तो इसी ऐड कार्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो और प्लेलिस्ट चैनल पोल लिंक ये 4 चीज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में से देख के सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक एक कार्ड क्रिएट होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 है, 5 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा लिया ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो। तो दोस्तों जैसे ही मैं रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो करूँगा ये सेकंड स्टेप पे आ जाऊँगा। सेकंड स्टेप हमारा हो गया बहुत ही आसानी से कंप्लीट। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक।
एंड दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास विजिबिलिटी आ जाएगी सेव और पब्लिश। यहाँ पे आप पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट ये तीन कर सकते हो, अगर आपको शेड्यूल करना है तो नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों शेड्यूल वाला मैं आपको समझा दे रहा, यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को आप जानते हो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसकी डेट सेलेक्ट कर लूँगा 23। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, जो टाइम जोन है वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो दोस्तों इसको मैं अपलोड करूँगा शाम को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ 5:30 PM टाइम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मैंने 23 मार्च इवनिंग को 5:30 PM पे अपलोड किया था वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत ही आसानी से सेलेक्ट हो गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए शेड्यूल बताया क्योंकि जो प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक है वो तो हर किसी को पता होता है, बट शेड्यूल वाला मैंने कहा जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो कर दूँ। तो दोस्तों उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपको सिंपली शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे ये लोड होगा, एंड लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, वीडियो शेड्यूल, योर वीडियो विल बी सेट टू पब्लिक ऑन March 23, 2020 at 5:30 PM। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक भी सामने डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो आप, एंड यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है, अच्छे से अपलोड हो गया, तो आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 स्टेप दिखेंगे। फर्स्ट डिटेल एंड सेकंड मोनेटाइजेशन का होगा, एंड थर्ड होगा एड सुटेबिलिटी का। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो स्टेप आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मोनेटाइजेशन वाले स्टेप पे आपको बताना रहता है कि आपको अपने वीडियोस पे एड्स कैसे चाहिए एंड किस तरीके के एड्स चाहिए। एंड दोस्तों जो एड सुटेबिलिटी है उस पे आपको बताना रहता है कि आपको जो वीडियो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है कि नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।